हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 6, रूल्स आर फॉर एवरीवन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, तो इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2, इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। और इस लेसन का जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, वो भी जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको ईजिली लिखना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है अवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन डैश। तो वहाँ पे आपको लिखना है रूल्स, अवर सोसाइटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। बी दिया है आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एबोलिश द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आपको लिखना होगा आंसर यहाँ पे द कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी। सी दिया है आपको रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कॉज द डैश ऑफ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आंसर आपको लिखना है निगलेट, कि जो रॉन्ग कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज जो होते हैं रॉन्ग, इसके कारण जो हमारे सोसाइटी का कुछ सेक्शन होते हैं उनको निगलेट किया जाता है वहाँ पे, तो इसलिए आपको आंसर निगलेट लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है आंसर इन वन सेंटेंस। ए दिया है इसमें क्वेश्चन, वाई आर रूल्स मेड। तो जो रूल्स हमारे सोसाइटी में बने हैं ये क्यों बनाए गए हैं। आंसर है रूल्स आर मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि रूल्स हम लोग क्यों बनाते हैं, कि हर एक इंसान को अपनी जो ड्यूटीज़ है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये पता होनी चाहिए, इसके लिए ये रूल्स हमारे सोसाइटी में बनते हैं। बी आपको दिया है क्वेश्चन, विच वैल्यूज़ हैव बीन अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ सिंस एंशंट टाइम्स। तो एंशंट टाइम्स से कौन सी वैल्यूज़ है जो हमारे सोशल लाइफ में हमें देखने को मिलती है। द वैल्यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ सिंस एंशंट टाइम। तो देखिए कौन सी वैल्यूज़ दी है हमें यहाँ पे, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, कि जो मारपीट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो इस तरीके से हमें हिंसा नहीं करनी है। तो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा एंड पीस मतलब शांति। तो हमारे सोसाइटी में हमें शांति बना के रखनी चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ है हमें हमारे एंशंट टाइम से हमारे सोशल लाइफ में दिखती है। इसमें थर्ड दिया है आपको, व्हाट आर द बिग ऑब्स्टेकल्स इन अवर सोसाइटी। तो हमारे सोसाइटी में कौन से ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पे, वो आपको लिखना है। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन आर बिग ऑब्स्टेकल्स इन अवर सोसाइटी। तो देखिए हमारे सोसाइटी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि जाति में भेदभाव किया जाता है, या फिर गरीबी ज़्यादा है, और लैक ऑफ एजुकेशन मतलब लोग एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं, तो ये हमारे सोसाइटी के बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं जिनके कारण हम सोसाइटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको आंसर इन शॉर्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अनजस्ट कस्टम्स हैव बीन बैन बाय लॉ। तो कौन से ऐसे कस्टम्स है जिनको बैन किया गया है, बंद किया गया है। तो इसका आंसर है आपको फर्स्ट लिखना है, द अनजस्ट कस्टम ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज हैव बीन बैन बाय लॉ। तो ये दो कस्टम्स है यहाँ पे, सती और चाइल्ड मैरिज, इसको मैंने लेसन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देन सेकेंड है द कस्टम ऑफ आस्किंग फॉर डाउरी हैज़ ऑल्सो बीन बैन। तो जो दहेज लेने देने की बात होती है इसको भी बैन किया गया है। द यूज़ ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग पीपल has been banned in Maharashtra। तो देखिए मैजिक मतलब काला जादू वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं, जो लोगों को फंसाते हैं, तो ये जो यहाँ पे है इसको भी बैन किया गया है महाराष्ट्र में। तो ये तीन चीजें हैं आपको यहाँ पे लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू वी नीड टू मेक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं, तो इनके हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वान्टिटीज फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन, देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज अगर बचा के रखने हैं तो हमें उनको कंजर्व करना ज़रूरी है। सेकेंड है इसमें, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वी नीड टू मेक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखिए जब लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, तभी लोग उसे फॉलो कर पाते हैं। तो अगर हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है तो उसके लिए लॉ बनाना ज़रूरी है, ताकि लोग उन्हें फॉलो करें और फिर हमारे एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। तो इसीलिए काफ़ी सारे लॉज हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं।